अरे यार गरीबों की भला कोई ईद होती है? ईद वाले दिन नहीं आ सकता मालिक। चलो क्या कर रहे हो तुम यार? दोस्त इस साल कमाल बहुत अच्छा था, इंशाल्लाह इस साल गंदम भी बहुत अच्छा होगा। ईद के बाद कटाई होने वाली है। अरे ईद से याद आया, ईद के लिए भी तो 4-5 दिन रहेगी। और तुम लोग कपड़े लिए? जी मैंने तो लिया भाई। कितने के लिए तुमने? 2 जोड़े लिया मैंने, 5,000 का एक जोड़ा। अच्छा बहुत अच्छा। और मैंने तो 10,000 के एक सूट लिया। मैंने भी लिया यार, 2 जोड़े लिया था, बहुत अच्छे कपड़े थे। 5,000 का एक सूट मैंने लिया था। आप लोगों को ईद मिली है? जी यार मुझे तो मिलेगी, 10,000 मिलेगी। माशाल्लाह बहुत अच्छा यार, 10,000। हाँ आपने कपड़े बनाए इसके लिए? नहीं भाई, हम गरीब आदमी है, हमने नहीं लिए कपड़े। आप 10-15 हज़ार की बात कर रहे थे, इतने तो मेरे भाई के महीने की कमाई है। और मेरे भाई ने कहा है कि आप अमीरों के साथ ना बैठा करो। चलो भाई मैं जाता हूँ, भाई बुला रहे हैं, कल भी उन्होंने रोका है आपके साथ बैठने के लिए। ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ। भाई अब इस गरीब बेचारे का क्या करें? हाँ यार अब इसके साथ क्या करेंगे यार, सोचना पड़ेगा। और हमने इतने बड़े बड़े बातें की उनके सामने, हमने बहुत बड़ी गलती की। हमने उसका दिल तोड़ दिया। हाँ चलो ऐसे करते यार, मेरे दो जोड़े कपड़े है ना, एक जोड़ा उसको देते हैं। चलो फिर चलते हैं। चलो यार चलते हैं यार। क्या कर रहे? मालिक काम कर रहा था, बस थोड़ा सा काम। अभी ये क्या कर रहे हैं ना, चलो उधर चल। ये मालिक आता हूँ, मालिक मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या कहना है? मालिक ईद आने वाले हैं, मेरे भाइयों के कपड़े नहीं है मालिक, तो मुझे कुछ पैसे दे दे ताकि मैं अपने भाइयों के लिए कपड़े खरीद सकूँ। अरे यार मेरे पास पैसे नहीं है, अभी तक मैंने ईंटें भी नहीं बेची, ये ईंटें मैं बेचूंगा, ईद के बाद पैसे आएंगे फिर मैं आपको दे दूंगा। मालिक हम साये क्या कहेंगे, सबके पास कपड़े हैं लेकिन मेरे भाइयों के पास नहीं है मालिक, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझ पर रहम करें। अरे यार तू गरीब आदमी है, तू कपड़े पहन कर क्या करेगा? तूने तो ईद पर भी आना है, मेरी छुट्टी इधर होगी भट्टे पे, इधर कौन बैठेगा? मालिक मैं जानता हूँ लेकिन मालिक मुझे 2 दिन की छुट्टी भी चाहिए ताकि मैं अपने भाइयों के साथ ईद मना सकूँ। अरे यार गरीबों की भला कोई ईद होती है? तुम अपनी गरीबी करो, तुम्हें कपड़ों से क्या है, इन कपड़ों में भी आपकी ईद गुजर जाएगी। छोड़ो इस काम को, तुम अपना काम पे ध्यान दो। ऐसा जुलम ना करे मालिक, मैं ईद वाले दिन नहीं आ सकता मालिक, प्लीज मेहरबानी करके मुझे पैसे दे दें लोग, ये मेरे हमसाए क्या सोचेंगे मालिक। तुम छोड़ो इस बात को, गरीबी वाली बातें मुझे मत सुनाओ, तुम अपने काम पे ध्यान दो। मैं अभी जा रहा हूँ, आपका काम चेक करूंगा, आपने काम सही तरह किया है नहीं किया। कपड़ों वाले पर छोड़ो, अरे छोड़ो क्या कर रहे हो तुम? मालिक मेरे पास पैसे नहीं है, अभी काम करो फिर मैं आपको पैसे दूंगा। कपड़े नहीं मालिक, हम ईद पे क्या करेंगे मालिक, ऐसा जरूर ना करें। चलो काम कर। भाई क्या हुआ, मालिक ने आपको पैसे दिए? भाईजान एक तो हम गरीब हैं, ऊपर से ईद आने वाली है, मालिक ने कहा कि मैंने ईंट बेची है उसके पैसे नहीं आए। भाई मुझे माफ़ कर देना, मैं इस ईद पर आपको कपड़े नहीं दिला सकता। भाई आपने ऐसे पिछले ईद पे कहा था नहीं दिला सकता, इस ईद पे नहीं, कब दिलाओगे मुझे? भाई मुझे माफ़ कर दो, ऐसी ज़िंदगी से तो मौत बेहतर है। नहीं भाई ऐसा ना करो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई जान। उदास के बेटे हो? भाई जान बस मालिक के पास गया था, उससे पैसे मांगे, उसने कहा कि ईंट भेजी है और पैसे नहीं मिले। अच्छा पैसे नहीं मिले आपको? जी भाई जान। आप टेंशन मत लो, ये कपड़े ये आप रख लें, ये आपके भाई के। नहीं भाई इसकी जरूरत नहीं है, ये आपके ईद के कपड़े हैं, टेंशन मत लेना, अभी मैं आपको ईद देता हूँ। आप रख ले जी भाई, छोटे 18,000 आप रख ले भाई, जरूरत नहीं है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जी बताइए भाई जान। मैंने पहली दफा ऐसे अमीर लोग देखे हैं जो इस हालत में गरीबों की मदद करते हैं। ये हम अमीरों पर फर्ज है, हम गरीबों की मदद करते हैं भाई जान, मैं आपका एहसान नहीं उतार सकता। हमारे मालिक बहुत अमीर है लेकिन आज वो ईद के दिन हमारे किसी काम नहीं आए मालिक, तो उसका अमीर होने का क्या फायदा? आप टेंशन मत लेना, आपके पास कपड़े आया, ईद आया, इंशाल्लाह अब आप ईद खुशी से मनाएंगे।
जी भाईजान आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, मैं आपका ऐसा नहीं उतार सकता। शुक्रिया भाई। देखा भाई, आप मुझे रोज कहते थे अमीर के साथ ना घुमाओ, आज वो मेरे अमीर दोस्त ही मुझे काम है। देखो उन्होंने हमें ईदी भी दी है, ईद के नए कपड़े भी दिए। आप खामखा मुझे रोज तंग करते थे कि इनके साथ ना बैठो। भाई जान मुझे माफ कर देना, वैसे अमीर तो ऐसे नहीं होते, ये लोग तो बहुत अच्छे थे। लाख लाख शुक्र है भाई। चलो भाई।